इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सबकी भी आएगी। प्री मेडिकल का रिजल्ट आ रहा है मेरे भाई 28 जुलाई, तो उस दिन जरा उससे पहले अच्छी तरह दुआएं वगैरह कर लीजिएगा। और किसी का उधार बाकी हो तो चुका दें, यानी जिस जिसकी फीस ड्यू है जो जो इंस्टॉलमेंट है उससे पहले पहले दे दें, क्योंकि रिजल्ट बड़ा खराब हो जाता है पता है उसकी। और मेडिकल फ्यूचर की डॉक्टरनियाँ या डॉक्टर साहब तो बहुत कम हो गए। एक बार एक आंटी थी वो परेशान हो गई, जब डॉ गई उनकी बेटी पढ़ती थी, 1% वहाँ लड़के मौजूद, 99% लड़कियाँ, कह रही मेरी बेटी शादी कैसे हुई डॉक्टर। तो मसला ये भी एक है बड़ा खतरनाक। और प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ रहा है, प्री इंग्लिश नहीं है, इंजीनियरिंग 5 अगस्त को, तो मेरे भाई से पहला आ रहा है जी जी, पहले आ रहा है। तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया और अखबार के पास वैसे शॉर्ट पढ़ने हो गए, जो डेट 25 अगस्त है दाऊद की है, मैरिन इंजीनियर की टेस्ट की है, उसकी मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत अच्छी फील्ड है। और एनईडी के अंदर जब कोई ऐसा काम होता है फेडरल लेवल पे भाई 6 महीने पहले प्रोसेस हो जाता है सारा, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की टेस्ट हो सकता है, 2-3 नई बातें आ जाए इसमें और वो हो जाती है। अभी तक कोई दूर का फिलहाल तो ऐसा नहीं है और बहुत डिले भी नहीं होना चाहिए। देखिए कभी कभी एमकेट का डेट 9 दिसंबर भी चला गया है, वो बहुत डेट है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है 8 अक्टूबर तक होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी 73% एनईडी में कम, मैं भी कैसे बता सकता हूँ, पता चलेगा एक तो ये रिजल्ट आने के बाद, और जब एनईडी का टेस्ट हो जाता है डॉक्टर टेस्ट होता है तब पता चलता है। देखिए टेस्ट मुश्किल होगा तो सारे परसेंटेज कम जाएगी, टेस्ट आसान होगा तो परसेंटेज का मेरिट आई जाएगा, तो अंडरस्टूड से बात है कि बात उसे वक्त बता सकता है। बहुत सारी वीडियोज में तब बनाता हूँ जब एनईडी का रिजल्ट आ जाता है कि जिनका टेस्ट क्लियर है वो उन्हें क्या करना है, जिनका क्लियर नहीं हो उनको क्या करना है। तो अभी फिलहाल इतनी सी बात कि तैयार रहिएगा इन डेट को टेस्ट रिजल्ट आने।